नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका दैनिक राशिफल कार्यक्रम। मित्रों, आज दिनांक 15 मई 2024 दिन बुधवार है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की जो ग्रह स्थिति है वो हमको क्या बता रही है। मित्रों, आज बुध तथा शुक्र मेष राशि में है, गुरु व सूर्य वृषभ राशि में है, चंद्र कर्क राशि में है, केतु कन्या राशि में है, शनि कुंभ राशि में है और मंगल तथा राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज नक्षत्र अश्लेषा है, तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, करण विष्टि है, योग वृद्धि है, सूर्य गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। राहुकाल रहेगा दोपहर के 12:23 से 2:02 तक। राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:47 से 1:11 तक। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिससे हमको लंबे समय तक लाभ लेने की अभिलाषा हो। दिशाशूल उत्तर की तरफ रहेगा, इसलिए उत्तर की तरफ लंबी दूरी की यात्रा से बचना है। अगर मजबूरी है उत्तर की तरफ लंबी दूरी की यात्रा करनी ही है तो धनिया खाकर हम उत्तर की तरफ लंबी दूरी की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आज माता के साथ आपको अपने संबंधों को ठीक रखना होगा। माता को कोई क्रोध ना आना चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कामकाज में भी कुछ रुकावटें आएंगी जिनको आपको शाम तक दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। आप कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे या कोई ज़मीन या कोई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे थे तो आपको सलाह दी जाती है कि आप देखें, पसंद करें, लेकिन पैसे का लेन देन अभी 2-4 दिन करने से बचें। इन्वेस्टमेंट अभी कुछ करने जा रहे हैं तो आपको या तो धोखा मिल सकता है या आपको लॉस हो सकता है, तो आप इस तरह के किसी भी इन्वेस्टमेंट से बचने की कोशिश करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें, इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके रखें। जोखिम का कोई भी कार्य फिलहाल आपको नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। और जो हमारी दर्शक महिलाएँ हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको भी सलाह दी जाती है कि रसोई घर में कार्य करते समय थोड़ा ध्यानपूर्वक कार्य करें, क्योंकि छोटा मोटा कटने छिलने की संभावना आज बन सकती है। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको माता पिता का आशीर्वाद आज जरूर लेना चाहिए। शुभंक आपके लिए 9 बना रहेगा और शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। वृषभ राशि, आपके अंदर साहस बहुत रहेगा, पराक्रम भी बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके शत्रु आपसे थोड़ा डरेंगे आज। भाई बहन आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहेंगे। इसके अलावा आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सगे संबंधी सभी आपकी आज मदद करेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे। आपकी वाणी में ओझ रहेगा, आप लोगों को अपनी बात समझाने में, अपनी बात मनवाने में सक्षम रहेंगे। जीवन में आपकी शांति और सौहार्द बना रहेगा। थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, धैर्य नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपको सफलता आज मिलेगी ज़रूर, भले ही थोड़ा देर से मिले। आपकी सेहत सुधरेगी, संबंध में भी सुधार आएगा, लेकिन अगर आपको कोई सांस से संबंधित समस्या है तो आपको आज थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको आज गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शुभंक आपके लिए 6 बना रहेगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। मिथुन राशि, आपको कुछ चिंताएँ, कुछ परेशानियाँ आज होती रहेंगी, आपको इनको एक एक करके दूर कर लेना चाहिए। आज आपको पैसे की चिंता विशेष रूप से रहेगी। इसके अलावा वर्क प्लेस पर आपको जो कोऑपरेशन जनरली मिलता है वो आज नहीं मिलेगा, उसको लेकर भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन किसी के साथ विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपकी मदद करेंगे, आपको उनसे मदद लेना चाहिए। ENT के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना है, क्योंकि हो सकता है आज आपके मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसको लेकर के बाद में आपको पछताना पड़े। सोशल लाइफ थोड़ी सी डल रह सकती है, ये 1-2 दिन का फेज़ है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। प्रेमीजनों को भी सलाह दी जाती है कि आपस में बातचीत करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जिससे कुछ गलतफहमियां पैदा होने की संभावना बने। आज का दिन आपके लिए 60% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। कर्क राशि, आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। आपका बहुत सारा समय अपने स्वयं के शरीर के ऊपर या स्वयं के परिवार के ऊपर, अपने जिस घर में आप रहते हैं उस घर पे दोस्तों के साथ या अपने ऑफिस के लोगों के साथ, कुलीग्स के साथ मौज मस्ती करते हुए, सैर सपाटा करते हुए या कोई
इम्पोर्टेंट वस्तु खरीदते हुए या देखते हुए बीत सकता है। पैसे का फ्लो अच्छा खासा रहेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका स्वभाव भी अच्छा होगा, कोई रोग था तो उससे मुक्ति मिलने की संभावना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रत्येक कार्य में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, इससे आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप मेहनत तो बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम आपको अभी तक नहीं प्राप्त हो रहे थे, अभी आप देखेंगे कि अच्छे परिणाम आपको अभी मिलने शुरू हो गए हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और ओवरऑल देखा जाए तो एक सुख की अनुभूति भी आपको हो रही है। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। सिंह राशि, आज आप कोशिश करें कि बिना बात के किसी चिंता तनाव का शिकार ना हो। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उसकी चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि उसकी भी चिंता आज आपको हो सकती है। आपके एनिमीज़, आपके अपोनेंट्स आपको तंग करने की, परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको उन पर नज़र रखनी है। तनावपूर्ण स्थितियाँ आज आपका स्वास्थ्य अच्छे से बिगाड़ सकती हैं, आपको उन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सर दर्द हो सकता है, आपको आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम अगर पुरानी है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर आपको कई दिन से ठीक से नींद आने की समस्या हो रही है तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है, इससे थोड़ा बचने की कोशिश करें। जीवन साथी के साथ आप बिना बात के उलझते रहेंगे, उनके साथ विवाद करते रहेंगे तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियों को शांत रहकर ख़त्म करने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। कन्या राशि, आप देखेंगे कि आपकी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी जो वेल्थ है वो भी बढ़ रही है। कुछ इनकम के नए सोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं। जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था जैसे शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में, वहाँ पर आपके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आपने कोई घर खरीदा था या कोई ज़मीन खरीदी थी, फ्लैट खरीदा था, उसकी वैल्यू में भी अप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड के प्राइस तो इंक्रीज़ हो ही रहे हैं। आपको बहुत सारे सोर्सेज से लाभ मिलेगा। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं, बॉसेस हैं, सभी आपकी मदद करेंगे, आपको कोऑपरेशन करेंगे। बिजनेस में आपको प्रोग्रेस के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। कुछ अच्छे अवसर आपके हाथ में आएंगे, इनका सदुपयोग आपको करना है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। विचारों में स्थिरता आने लगेगी। पहले के जैसी जो उत्तेजना है वो खत्म हो जाएगी। आप जरा जरा सी बात पर जैसे पहले परेशान हो जाते थे, अभी नहीं होंगे। और परिस्थितियाँ पहले से बेहतर समझने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी पहले से इम्प्रूव हुई है। आज के दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है। तुला राशि, कामकाज में आप देखेंगे कि बिजनेस में प्रोग्रेस के बहुत सारे चांसेस आपको मिल रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है या जहां आप बिजनेस करते हैं उस एसोसिएशन से आपको सपोर्ट मिल रहा है, मान सम्मान प्राप्त हो रहा है। बिजनेस तो आपका इम्प्रूव हो ही रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में भी प्रमोशन के या हायर पोजीशन पर जाने के कुछ चांसेस मिल सकते हैं। आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके काम से खुश होंगे, आपकी प्रशंसा हो सकती है और आपका किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जिसको लेकर के आपकी जो ख्याति है वो बढ़ेगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो भी इम्प्रूव होंगी। बहुत दिन से आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करने के बारे में सोच रहे थे या कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तो आप शुरू कर दें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग मैजेंटा है। वृश्चिक राशि, कामकाज बिजनेस जॉब थोड़ा स्लो होगा। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन सकारात्मक परिणाम या तो आपको हो सकता है देर से मिलें या कम मिलें। भाग्य बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा, भाग्य के भरोसे ना बैठें, मेहनत जरूर करते रहें। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें, धर्म कर्म में, तीर्थ यात्रा में, ईश्वर भक्ति में मन लगाएं, गुरु से आशीर्वाद लें, पिता से भी आशीर्वाद लें। पिता के स्वास्थ्य की चिंता करें, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है। पिता समान किसी व्यक्ति के साथ या किसी उच्च अधिकारी के साथ कुछ आपका विवाद होने की संभावना बन रही है, इसको टालने की कोशिश करें। दान पुण्य आज जितना करेंगे आपका उतना ही अच्छा रहेगा। बॉडी में थोड़ी वीकनेस फील हो सकती है तो अच्छा खाएं पिएं, आराम करें। शरीर को कष्ट देने वाला कोई कार्य अगर आप ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए 70% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो मंदिर में पीले फलों का दान आपको करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए गेरुआ रहेगा। धनुराशि, आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी जरूरी है क्योंकि आपको कोई लंबा चलने वाला रोग है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या स्किन बोन से रिलेटेड कुछ इश्यू है तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान आज कर सकता है। डॉक्टर को दिखा लें। कोई छोटा मोटा सीजनल रोग भी आपको तंग कर सकता है, आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आप टूरिंग जॉब में हैं तो कुछ दिन के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। टूर में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, खान पान का भी ध्यान रखना है और इसके अलावा वाहन भी सावधानी से चलाना है।
आपके इन-लॉज आपसे कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, भले ही आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आपको कोई प्रतिकार नहीं करना चाहिए। घर पे और वर्क प्लेस पर कुछ विवाद वाली स्थितियाँ बनने की कोशिश करेंगे, कुछ होंगी ऐसी स्थितियाँ जहाँ आपको थोड़ा गुस्सा आए, लेकिन आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और स्थिति को ख़राब होने से बचाना है। तनाव थोड़ा सा आज मन मस्तिष्क पर हावी रह सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन नकारात्मकता अपने मन में ना आने दें, पॉजिटिव वे में इसको आपको लेना चाहिए। आज के दिन आपके लिए 50% अनुकूल है, इसको और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। मकर राशि, कुछ नए नए लोग आपसे मिलेंगे, आपके नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, आपके लिए सोशल सर्किट जो है उसको बढ़ाने का आज बहुत अच्छा मौका रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, मधुर होंगे, पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, बच्चे आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहेंगे। आमोद प्रमोद में मौज मस्ती में आज का दिन बीत सकता है। लाइफ में लव और हारमोनी बनी रहेगी। आपका बिजनेस इंप्रूव होगा। आप अपने लिए कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे या लव पार्टनर ढूंढ रहे थे या अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे, तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपके मधुर पल तो बीतेंगे ही, साथ के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज भी मिलेंगे। ओवरऑल आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। कुंभ राशि, प्लैनेट का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छे परिणाम देगा, आपके रिश्तेदार सपोर्ट करेंगे, आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। किसी भी तरीके के डर से आपको दूर रहना है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका कोई मुकदमा था, कोई झगड़ा था, तो उसमें कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। आप कोई लोन लेना चाहते थे तो पेपर वर्क रेडी करें, आपको लोन जरूर मिल जाएगा। आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब फ्रेंड भी अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ तो आपकी पीसफुल और हारमोनियस बनेगी ही, साथ के साथ प्रेम संबंध जो है उसमें आपको थोड़ा सा मर्यादित व्यवहार बना करके रखना चाहिए, जिससे कि आपस में संबंध जो है वो मधुर बने रहें। आज के दिन आपके लिए 80% अनुकूल है, शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है। मीन राशि, परेशानियां आज थोड़ी सी आपको हमेशा लगी रहेंगी, पूरा दिन आपको परेशानियां देखने को शामिल होंगी और डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आपकी डिफ़िकल्ट होगी। आज जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा। आपको चाहिए कि आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान दें, जिससे काम आपके जल्दी पूरे हों। वर्क प्लेस पर आप बहुत सारा काम एक साथ ले लेंगे तो कोई काम पूरा नहीं होगा। आपको वो काम बिल्कुल भी नहीं लेना है जिसको लेकर के आपको डाउट हो। आप गिनती का काम लें, उसको पूरा करें और मैनेजमेंट को बताएं। संतान को रिलेशनशिप का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप उसके साथ बैठें, बातचीत करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। आज फॉर्मल मीटिंग में या इनफॉर्मल मीटिंग में कई बार ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाए। आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की आज ज़रूरत पड़ेगी। कोई नई नौकरी की तलाश में थे तो किसी मित्र की मदद से कोई ऑफर मिल सकता है। पेट के रोग हो सकते हैं, सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, एक दो दिन के बाद करें। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है, इसको और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए बसंती रहेगा। मित्रों, ये था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी थोड़ा सा दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको हमारे जो नई वीडियो हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे और इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा।